आज हम टर्की के लिए निकल रहे हैं, तो अपने शहर से निकल रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट जा रहे हैं, ये शायद आप लोगों में भी ऐसे मानते होंगे। ये हमारा थ्रू चेक इन हुआ है हमारे शहर से, यानी हमारा सामान सीधा टर्की एयरपोर्ट पे मिलेगा। पहले हम यहाँ से बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे से टर्की। अपने शहर से हम बॉम्बे पहुँच गए हैं और अब ये बॉम्बे से इस्तानबुल के लिए उड़ान। तो देखिए पहुंच गए हैं हम इस्तानबुल एयरपोर्ट। देखिए इस्तानबुल का एयरपोर्ट से बहुत रश तो नहीं है, अच्छा नीट क्लीन है, नीट एंड क्लीन। अब हमने सोचा कि करेंसी एक्सचेंज कराई जाए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ करेंसी के रेट ये हाई देखिए हैं। मनी एक्सचेंज के लिए इस्तानबुल में ही कराया जाए। इसके बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस ये सब हुआ और फिर हम बेल्ट की तरफ गए सामान उठाने। तो जो ट्रॉली है हमारे यहाँ तो उसके कोई चार्जेस नहीं लगते, पर यहाँ ट्रॉली के 1 यूरो लगे। हालांकि वो बाद में रिफंड हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि सामान लेके आप बाहर आते हैं तो रिफंड के लिए अंदर आना मुश्किल होता है। चलिए, हर कंट्री का सिस्टम अलग होता है। इसके बाद ये देखिए एयरपोर्ट पे मुझे ये सजावट बड़ी अच्छी लगी, ये इन्होंने ऐसे सजा रखा था। देखिए कितनी अच्छी लाइट्स, एक पेड़ सा बना हुआ है और एक ये बड़ा खूबसूरत, इसके आसपास भी हमने खड़े होके खूब फोटोज खिंचवाई। अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं और टैक्सी हमारी प्री बुक थी, 8 नंबर 9 पे आई थी। हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, होटल भी हमारा बुक था और अब हम होटल पहुंच गए हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस्तानबुल में हमने पहले दिन क्या क्या किया।